गुड इवनिंग। हेलो राजकुमारी जी। हाय एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो मिस गीत। हेलो सचिन जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई शो एवरी डे। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग सब ठीक हैं एंड फेस्टिव सीजन की तैयारी कर रहे हैं। एंड आपके इसी फेस्टिव सीजन की तैयारी के लिए आज मैं एक और रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा स्नैक ऑप्शन है। और आपके घर में अगर गेस्ट आते हैं, आप उनके लिए बना सकते हैं। बहुत ही डिलिशियस सा ये स्नैक है, जो एक ऐसे इंग्रेडिएंट से बनाया जाएगा जो हर हाउस होल्ड में अवेलेबल होता है, नॉर्थ से लेके साउथ तक। ओके, एंड ईस्ट से लेके वेस्ट तक। बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। और आज मैं इस रेसिपी में ग्लूटेन फ्री ऑप्शन भी बताऊंगी और वीगन ऑप्शन भी बताऊंगी। बहुत लोग हैं आजकल जो ग्लूटेन फ्री खाना पसंद करते हैं, या यू नो बिकॉज ऑफ डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस उन्हें व्हीट अलाउड नहीं होता है, या यू नो ग्लूटेन वाली ग्लूटेन प्रोड्यूस करने वाली चीज़ें अलाउड नहीं होती है। और कई लोग डेरी जिन्हें सूट नहीं होता है वो वीगन भी होते हैं। सो मैं आपको दोनों ऑप्शंस बताऊंगी इन आवर रेसिपी, जैसे जैसे हमारी रेसिपी प्रोग्रेस करेगी वैसे। रेखा जी, शुभद्रा जी एंड नीलम जी, कमल जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा नाम मधु नाहटा है और मैं इंदौर से हूँ। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, माय पेज नेम इज़ ओवन्स अप बाय मधु। और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर सम इंस्टेंट झटपट रेसिपीज इन द नेम ऑफ ओवन्स अप। तो चलिए शुरू करते हैं। रेखा जी हेलो। आज की रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी का नाम है ब्लैक आइड पी बीन्स पैटी। ओके, पैटी हम सब जानते हैं, लाइक अ कबाब। ओके, और उसे पैटिस ही बोला जाता है या पैटी बोला जाता है, जो बर्गर्स के अंदर होती है, या लाइक हरा भरा कबाब स्टाइल, यू नो राउंड मिक्सचर से बनाई गई पैन पे वो पैटी होती है, हम सबको पता है। और ब्लैक आइड पी बीन्स होते हैं, जैसे नॉर्थ में पंजाब कश्मीर एट्सेट्रा इन सच प्लेसेस उसे लोबिया कहा जाता है। एंड अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो उसे लाइक इन राजस्थान एंड लाइक गुजरात एंड एमपी, इसे चवले भी कहा जाता है। सो आज हम उससे बनाएंगे एक ग्लूटेन फ्री रेसिपी। एंड मतलब मैं आपको ऑप्शन बताती जाऊंगी कि अगर आप ग्लूटेन फ्री खाते हैं तो आप इसमें क्या क्या स्किप कर सकते हैं या क्या एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, और मैं इसका वीगन ऑप्शन भी आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। पिंकी जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, ऋषभ जी, मेहर जी, साधना डोसी जी, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। एंड शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी। बहुत ही सिंपल है लाइक ऑलवेज। आई होप दिस इज विजिबल। एंड जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, माय नेम इज मधु नाहटा, मैं इंदौर से हूँ। और आज हम बनाने जा रहे हैं ब्लैक आईड पी बीन्स पैटी, यानी चवले या लोबिया से बनने वाली पैटी। ओके, बहुत ही डिलीशियस है, बहुत डिफरेंट टाइप की ये रेसिपी बनने वाली है। तो मैंने किया क्या है, नॉर्मल जो हमारे यहाँ चवले होते हैं उन्हें रात भर भिगो दिया है और बॉईल कर लिया है। ओके, तो आपको बहुत ज़्यादा इसको ऐसा बॉईल नहीं करना है कि ये पूरा मैश ही हो जाए, बिकॉज उसमें क्या होता है, मैश हमें इसे करना है, लेकिन हमें इसे करना है, इसके बॉइलिंग मेथड से ये मैश नहीं हो जाना चाहिए, वरना उसमें पानी रह जाता है और हमें बहुत सारे एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने पड़ जाते हैं इसकी कंसिस्टेंसी पैटी की बनाने के लिए। तो आपको इस स्टेज तक इसे बॉईल करना है। मैं इसको प्रेस करके दिखाती हूँ आपको इस स्टेज तक। ओके, वन मोर आई विल शो। ये देखिए, ये मैंने बॉईल करा है, ओवरनाइट सोक किया, 8 आवर्स आपको मिनिमम इसको सोक करना है, और 2 to 3 whistles ऑफ कुकर में ये हो जाएगा। बॉईल करते टाइम मैंने इसमें नमक भी डाला था। तो इस तरह से मैंने ये चवले या लोबिया या ब्लैक आइड पी बीन्स जिसे कहा जाता है, इसे बॉईल करके रख लिया है। दिस इज अबाउट 1.5 कप्स, बॉईल होने के बाद 1.5 कप्स है। अब इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे।
सबसे पहले मैं इसमें डालने वाली हूँ हरी मिर्च. ओके, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं. और कुछ लीव्स ऑफ कोरिएंडर, वो मैं डाल दूंगी इसमें. और अब हमें इसे करना है ग्राइंड. ओके, तो मैं इसे ग्राइंड करके लेके आती हूँ. थोड़ा सा नॉइजी होने वाला है, प्लीज बेयर विद इट. सो सबसे पहले हम इसे एक मिक्सर जार में निकाल लेंगे. और मैं इसे ग्राइंड करके लेके आती हूँ. इन जस्ट अ सेकेंड आई विल बी बैक विद यू. थोड़ा सा और कोरिएंडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ. इसमें ये हम ना गार्लिक डाल रहे हैं और ना ही हम इसमें जिंजर डालने वाले हैं. ये नो गार्लिक नो अनियन नो जिंजर वाली रेसिपी है. मैं इसे ग्राइंड करके लेके आती हूँ एंड आई विल बी जस्ट बैक विद यू इन अ मिनट. देखिए इसमें हम कोई पानी नहीं डाल रहे हैं. सो ये इस टाइप से ग्राइंड होता है. थोड़ा सा ऐसे मैं एक बार और ग्राइंड करूंगी, लेकिन आप ध्यान रखें कि इसे ग्राइंड करने के लिए आप पानी नहीं डालें. तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी जो इसको बॉईल करें, जब प्रेशर कुक करें, तो बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी के साथ करें. ओके, सो आई विल जस्ट ग्राइंड इट वंस अगेन. कंसिस्टेंसी तक ग्राइंड हो गया है. इसमें कुछ अगर दाने रह भी जाते हैं इस तरह से, तो नो इश्यूज, बिकॉज ये ऑलरेडी बॉइल्ड है, कुक्ड है. ओके, तो अब मैं इसको निकाल लूंगी इन आवर बोल अगेन. देखिए अगर आप पानी डालेंगे तो आपको इसमें बहुत सारी चीजें ऐड करनी पड़ जाएगी एक्स्ट्रा, इसकी पैटी की कंसिस्टेंसी इसे देने के लिए. ओके, जो हम नहीं चाहते हैं. सो हमने लिया लोबिया या चवले, ब्लैक आई पी बीन्स. इन्हें हमने रात भर सोक किया है. सोक करने के बाद मैंने इसे इसमें, जब मैंने बॉईल किया, प्रेशर कुक किया, दो तीन सीटी मैंने ली है इसकी. एंड उस टाइम मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया था. तो नेक्स्ट स्टेप में जब हम सॉल्ट ऐड करेंगे तो हमें इसका ध्यान रखना है. सॉल्ट डालने से कुकिंग अच्छी हो जाती है और फ्लेवर बढ़ जाता है. तो ये हमने थोड़ा सा इसे मैश कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है. आप चाहें तो इसको जो मैनुअल मैशर रहता है उससे भी आप मैश कर सकते हैं. थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मिक्सर में से निकालना, सो बट हो जाता है. ओके, सो इस स्टेज पे अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है. अभी ये इस तरह से हाथों में थोड़ा चिपक रहा है. ओके, लेकिन ये जो लोबिया रहता है, ये जब हम इसे पैन फ्राई करेंगे बहुत ड्राई आउट हो जाता है. तो इसमें हमें घी का यूज़ करना होता है. तो अगर आप वीगन हैं तो आप इसमें कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन मैं आपको एक नॉर्मल वर्जन बताने वाली हूँ, तो उसमें आपको यूज़ करना है घी. ओके, अमूल का घी हम यूज़ करेंगे. तो अब हमने इसमें डाली थी हरी मिर्च, हमने डाला था कोरिएंडर यानी हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया. अब मैं कुछ अमूल का अमूल मिल्क से मैंने होममेड पनीर बनाया है, वो मैं यहाँ पे क्रम्बल करके डालूंगी. ओके, आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं. अमूल के होल मिल्क से मैंने ये पनीर बनाया है घर पे ही. सो इसको मैं क्रम्बल करके यहाँ पे डाल दूंगी. अबाउट हाफ अ लीटर मिल्क का ये
मैंने यूज किया है पनीर. ओके अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे. लेट मी वॉश माय हैंड्स. सबसे पहले हम डालेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट. पहले हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल चुके थे लोबिया में, लेकिन काफी कुछ उसमें से पानी जब हम इसको ड्रेन करेंगे सुखाएंगे तो वो निकल जाता है. तो नॉर्मल जो सॉल्ट आप डालेंगे उससे थोड़ा सा कम डालिए. ओके सो सॉल्ट डालने के बाद हम डालेंगे जीरा पाउडर. ओके भुना हुआ जीरा का जो पाउडर होता है क्यूमिन सीड्स का, सभी के घर में होता है, वो हम डालेंगे. फिर इसमें हीट यानी जो तीखापन है, हमने सिर्फ थोड़ी सी हरी मिर्च डाली, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें काली मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है. सो मैं 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ यहाँ पे. और मैं डालूँगी थोड़ा सा चाट मसाला इसे चटपटा बनाने के लिए, 1/4 टीस्पून जितना. और हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर थोड़ी इसे खटाई देने के लिए, ये भी 1/4 टीस्पून जितना ही हमें डालना है. अब इसलिए जो मेन टेस्ट है, ओके लोबिया का टेस्ट है, पनीर का टेस्ट है, कोरिएंडर हमने डाला है, हरी मिर्च डाली है, ब्लैक पेपर डाला है, अमचूर डाला है और भुना हुआ जीरा हमने इसमें डाला है और काली मिर्च डाली है, सॉल्ट तो हमने डाला ही है. हम डालेंगे इसमें इलायची पाउडर. ओके इलायची पाउडर आप डालिए, आपकी रेसिपी का टेस्ट पूरा चेंज हो जाएगा. और ऐसे नहीं लगेगा कि इसमें इलायची डालिए, लेकिन एक बहुत ही इसकी फ्रेग्रेंस जो है बहुत ही अच्छी आएगी. तो आप इसमें इलायची पाउडर डाल दीजिए. एंड नाउ लेट्स मिक्स दिस. मैं अपने हैंड्स यूज करने वाली हूँ टू मिक्स दिस प्रॉपरली. आई होप ये आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली मैं कैसे इसको बना रही हूँ. अगर आपको लगता है कि आपका जो ये मिक्सचर है बहुत ज़्यादा रनी हो गया है, यानी बहुत ये अच्छी तरह से स्टिक नहीं हो पा रहा है आपस में, तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी मिला सकते हैं, या आप चाहें तो थोड़ा सा बेसन ड्राई रोस्ट करके 1-2 चम्मच इसमें डाल सकते हैं. आप राइस का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, चावल का पाउडर या चावल का आटा आपके पास हो तो. थोड़ा सा आप कॉर्नफ्लावर भी मिला सकते हैं, और अगर आपके घर में लेफ्ट ओवर राइस है तो वो भी आप इसमें मिला सकते हैं, या बाइंडिंग के लिए आप आलू भी मिला सकते हैं. तो मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस बता दिए हैं, आपको जो भी सूटेबल लगे आप बाइंडिंग एजेंट इसमें डाल सकते हैं. ओके अब इसमें मैं डालूंगी आलमंड पाउडर यानी बादाम का पाउडर, वो मैं इसमें डालने वाली हूँ. बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा इलायची पाउडर और दूसरे मसालों के साथ. आप चाहें तो पीनट पाउडर भी डाल सकते हैं. आई प्रेफर आलमंड पाउडर जिसे मैं हमेशा बना के रखती हूँ. ओके सो मैं अबाउट 1 टेबल स्पून 1-1.5 टेबल स्पून आलमंड पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है, और मैं इसको मिक्स कर दूंगी. इस पॉइंट पे आप टेस्ट करके देख सकते हैं कि आपकी पैटी का टेस्ट मतलब स्पाइसेस इसमें बराबर है या नहीं. ये देखिए ये हमारा लोबिया का मिक्सचर बन गया है टू मेक द पैटी. जो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं अभी, थैंक यू वेरी मच. माय नेम इज़ मधु फ्रॉम ओवन्स अप इंदौर, और आज हम बना रहे हैं ब्लैक आई पी बीन्स पैटी या लोबिया या चवले की पैटी. हमने चवले भिगो दिए थे ओवरनाइट, बॉईल किया मिक्सर ग्राइंडर में हरी मिर्च और धनिया के साथ, हमने उसे पीस लिया है. फिर हमने पनीर और कुछ स्पाइसेस डाले जैसे कि जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर, काली मिर्च, इलायची पाउडर हमने डाला है इसमें, और अमचूर पाउडर और चाट मसाला. उसके बाद मैंने इसमें आलमंड पाउडर डाला है. आलमंड्स को आप थोड़ा सा रफली सेक लीजिए, ड्राई रोस्ट करिए और उसको मिक्सर में चला दीजिए, आपका आलमंड पाउडर रेडी हो जाएगा. ओके सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, पैटी बनाने की प्रोसेस में. तो मैं गैस ऑन कर देती हूँ. इसको हम बनाएंगे अमूल घी के साथ. जैसे मैंने बताया था कि ये काफ़ी ड्राई हो जाता है ये मिक्सचर, तो आपको इसे घी के साथ बनाना है. लेकिन अगर आप वीगन हैं, क्योंकि ये हमारी ग्लूटेन फ्री रेसिपी बन रही है, आप चाहें तो इसे वीगन भी बना सकते हैं अगर आप प्रेफर करते हो तो उसमें आप कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, जो भी आप खाना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं. सो अब हम
ये पैटी तैयार करेंगे। अमूल घी मैं यूज कर रही हूँ, अमूल काऊ घी यहाँ पे। तो हम थोड़ा सा घी इस पैन में स्लैदर कर देंगे, फिर मैं कैमरा इसके पास ले जाऊंगी आपको दिखाने के लिए। पहले हम हमारी पैटी रेडी कर लेते हैं। सो इस तरह के पोर्शंस हम ले लेंगे इसमें से, और जितनी भी बड़ी आप पैटी बनाना चाहें उस हिसाब से। आई लाइक इट लाइक अ यू नो दिस साइज, जो एक मुट्ठी से थोड़ा सा बड़ा हो। वो हल्के हाथों से आप इसे प्रेस कर दीजिए, और जैसा आप शेप देना चाहो वैसा दे सकते हैं। बच्चों के साथ भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। तो ये हमारी फर्स्ट पैटी रेडी हो गई है। साइड्स को अच्छी तरह से आप सील कर दीजिए। ओके, और इसको मैं डाल दूंगी इन आवर पैन। सो मुट्ठी से थोड़ा सा बड़ा बॉल मैं ले रही हूँ यहाँ पे। आलमंड पाउडर डालने से इसका टेस्ट, और इलायची पाउडर डालने से टेस्ट विल रियली चेंज, और बिल्कुल ही एक गॉर्मे डिश बन जाएगा। सब आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर मांगेंगे, आप इसे सेव करना मत भूलिए। और अभी दिवाली आ ही रही है, आपके यहाँ पे श्योर गेस्ट आएंगे, आप किसी से मिलने जाएंगे, भाई दूज भी आ रही है, बहनें भाई एक दूसरे के लिए बना सकते हैं। बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत ही यू नो डिकैडेंट टेस्ट है इसका। मतलब इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल एवरीडे रेसिपी। एक तो इसमें हम ग्लूटेन फ्री इसे बना रहे हैं, वीगन ऑप्शन मैं आपको बता चुकी हूँ, और पावर पैक्ड है विथ प्रोटीन। यू नो जो वेजिटेरियंस है वो यूजुअली स्ट्रगल करते हैं कि हम प्रोटीन का सोर्स क्या हो हमारा। सो यू नो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन पल्स। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जिन लोगों को भी अगर कोई टाइप की एलर्जीज है, ओके कोई टाइप की एलर्जीज होती है जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस एट्सेट्रा, तो उनके लिए ये लोबिया खाना बहुत ही यूज़फुल है। आप इसको अपनी डाइट में, आई एम नॉट अ डाइटिशियन, लेकिन जो मैंने पढ़ा है और एक्सपीरियंस किया है उससे मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ कि अगर आप हफ्ते में एटलीस्ट दो बार इसे किसी भी फॉर्म में खाते हैं, चाहे वो सैलेड हो या सब्जी बना के या दाल के फॉर्म में, तो आपकी जो एलर्जीज है विद टाइम बहुत कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट या दो महीने में ये ठीक हो जाएगा, बट यस विद इन अ ईयर और सो आपको डिफरेंस पता लगने लगेगा, और जो आप इतने हैवी स्टेरॉइड्स लेते हैं फॉर एलर्जीज वो कम हो जाएंगे। कई बच्चों में भी डैंड्रफ वगैरह का प्रॉब्लम होता है। सो लोबिया इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट जो आप अपने फूड में इंक्लूड कर सकते हैं। एक्चुअली हम सारी बना लेंगे एंड आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है। दिस इज़ अ क्लासिक ग्लूटेन फ्री पैटी रेसिपी फॉर कीप्स। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और बनाइए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए, खासकर जो हेल्थ कॉन्शियस है, जिन्हें प्रोटीन का बड़ा यू नो शौक होता है कि हमें प्रोटीन बेस्ड ही फूड खाना है, जो विच इज़ राइट ऑल्सो, आप उनके लिए बना सकते हैं, खुद के लिए भी बना सकते हैं। इसको आप एज अ स्टार्टर सर्व करें, या आई विल टेक यू क्लोजर सो दैट हम ये देख सकते हैं कैसे बन रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है ये बनने में, बिकॉज हमने इसमें कोई भी आटा नहीं डाला है, तो नेचुरल है कि डायरेक्ट ये अगर लोबिया है तो दिस विल टेक लिटिल टाइम। घी अच्छी तरह से आप लगाइए इससे, घी खाने में कोई बुराई नहीं है, मॉडरेशन में खाना है आपको, पोर्शन आपको कंट्रोल करना है, बट इट इज़ वेरी इफेक्टिव आयुर्वेदा के हिसाब से भी, एंड वी आर इंडियंस, हम घी खा के बड़े होते हैं,
और जिन्हें डायट्री रीजंस के कारण डेरी अलाउड नहीं है वो इसमें ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। और अगर ये आपकी पैटी सही से बनती नहीं है, मान लीजिए आपका मिक्सचर थोड़ा सा गीला हो जाता है, तो आप उसमें ग्लूटेन फ्री अगर रखना चाहते हैं तो आप आलमंड का फ्लोर भी डाल सकते हैं, पीनट्स डाल सकते हैं क्रश करके और रोस्ट करके, आप उसमें बेसन डाल सकते हैं, थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए एक नॉन स्टिक कढ़ाई में या पैन में, और उसके अलावा आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं, या आप इसे अगर ग्लूटेन फ्री नहीं रखना चाहते तो ब्रेड क्रम्स इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन, वो आप डाल सकते हैं। तो हमने एक्चुअली बनाए ब्लैक आई पी बीन पैटीज, या इसे हम कहते हैं इसको हम लोबिया या चवला भी कहते हैं इन नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया। आई एम नॉट श्योर, अगर कोई ईस्ट से है तो मुझे बताइए इसे क्या कहा जाता है आपके एरिया में, एंड अगर कोई साउथ से है आई एम श्योर ये सभी जगह पे खाया जाता है, सो व्हाट इज़ इट कॉल्ड मुझे बताइए इन कमेंट्स, आई वुड लव टू नो इट। सो आशीष जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, शिवानी गोरी जी थैंक्स। जितनी ये सुंदर रेसिपी दिखने में है, जितने सुंदर ये पैटीज दिखने में है, उतने ही ये डिलीशियस खाने में भी है, क्योंकि हमने इसमें डाला है एक तो बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट जो है इलायची पाउडर और आलमंड का पाउडर। अब मैं इसे पलट दूंगी, आप दो स्पैटुलाज ले लीजिए और फिर इसको पलटें। इसकी जो खुशबू है ये भी बहुत ही अच्छी आ रही है और बहुत ही माइल्ड खुशबू है इसकी। आप किसी भी कोई गौरमे प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हैं या बनाते हैं कोई गौरमे डिश, तो उसकी जो स्मेल होती है वो कभी भी ओवरपावरिंग नहीं होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा उसमें से कुछ फ्लेवर की खुशबू या ऐसा नहीं होता है, इट इज़ वेरी माइल्ड लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो सेम इज़ विद दिस रेसिपी, हमने इसमें कोरिएंडर या इस तरह के कोई भी स्पाइसेस नहीं डाले हैं, आपने नोटिस किया होगा। हमने अमचूर पाउडर डाला, हमने काली मिर्च पाउडर डाला, हमने इलायची पाउडर डाला और हमने भुना हुआ जीरे का पाउडर इसमें डाला है। सो हम इसे पलट देते हैं और कुछ टाइम के लिए इसे बनने देते हैं। और सो कैसी लग रही है ये रेसिपी? नाइस एंड हेल्दी रेसिपी, यस थैंक यू, इट इज़ नाइस एंड इट इज़ वेरी हेल्दी। मोहनलाल जी, पुष्पा जी, पिंकी जी, यस थैंक यू, रचना जी, रजनीश जी, नारायण जी, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। आप लोग लाइव में अपना टाइम निकाल कर आए हैं एंड आई एम श्योर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। ये रेसिपी अवेलेबल रहेगी ऑन अमूल फेसबुक पेज एज वेल एज ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल। आप इंस्टाग्राम पे अभी मुझे फॉलो कर सकते हैं इन द नेम ऑफ ओवन्स अप बाय मधु, या फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं इन द नेम ऑफ ओवन्स अप फॉर सच हेल्दी रेसिपीज। एंड यस, आप इन्हें बना सकते हैं कभी भी जब आपका मन करे अपने लिए, अपनों के लिए। तो बहुत ही इजी रेसिपी है और इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार है। अमूल घी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं और अमूल दूध से मैंने बनाया था घर पे पनीर, जो कि बहुत ही सॉफ्ट बना है। इस तरह से अब हम इसे कुछ और मिनट्स के लिए बनने देंगे। थोड़ा सा टाइम लेता है जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें हमने कोई भी फ्लावर नहीं ऐड किया है, है ना, हमने डायरेक्टली इसे लोबिया से बनाया है और पनीर और हरी मिर्च एंड कोरिएंडर से बनाया है, तो इसमें कोई भी बाइंडिंग एजेंट नहीं है, तो नेचुरल है कि इट विल टेक टाइम। और इसमें क्योंकि बाइंडिंग एजेंट नहीं है, ये बहुत ही अलग टाइप का टेस्ट देगा और बहुत ही डिफरेंट टेस्ट देगा। जैसे आप देखेंगे कि हरा भरा कबाब हो या दूसरे जो भी पैटीज होते हैं, तो उसमें कोकोनट पाउडर होता है या आलू होता है, तो उसमें दूसरी चीज़ों का भी टेस्ट आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको प्योरली लोबिया और बादाम
और इलायची पाउडर का टेस्ट आने वाला है। तो आप खुद ही इमेजिन करिए कि ये कितना ही डिलीशियस और बहुत ही गॉर्मे स्टाइल ये प्रोडक्ट ये रेसिपी हम बना रहे हैं। आपसे सभी लोग पूछने वाले हैं ये कैसे बनाया, कहाँ से सीखा, तो इस रेसिपी को ज़रूर आप अपने तरीके से बनाइए एंड सेव करके रख लीजिए। सो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऑन द एजेस इट इज स्टिल वाइट, फ्लेम हम बहुत तो नहीं बढ़ा सकते बट बिकॉज ये लाइव है मैं हल्की सी फ्लेम बढ़ा रही हूँ। आप इसे लो फ्लेम पे ही पकाएं और ज़्यादा मत हिलाइएगा अभी मुझे, क्योंकि लाइव में थोड़ा सा हमारे पास टाइम कॉन्स्ट्रेंट रहता है। सो आई हैव टू डू दिस एंड यस, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। जब तक ये बन रहा है चलिए मैं आपसे कुछ और बातें कर लेती हूँ। लेट मी कम एंड सी यू गाइस। ओके सो आप अपने कमेंट्स मुझे बता सकते हैं कैसी लग रही है ये रेसिपी और आप इसको कब ट्राई करने वाले हैं, दिवाली की क्या क्या तैयारी करने वाले हैं आप लोग। श्रीनिवासन जी थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहादुर चौधरी जी, सीमा विशाल जी, सुभाष जी, शारिक जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। मिस गीत आई एम रियली थैंकफुल टू यू, आप रोज़ आती हैं मेरी रेसिपी देखती हैं। रेनू जी थैंक यू, आई थिंक कोई क्वेश्चंस नहीं है। अब हम चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ फिर से एंड ये हमारी रेसिपी, कुछ पैटीज इसमें से ऑलमोस्ट हो गए हैं, लाइफ के कारण हम इसे पूरा एंड तक नहीं कर सकते हैं सो हम इसे सर्विंग पे ले चलेंगे। अब थोड़ा सा ये टाइम लेती है और ये बनती ही बहुत सॉफ्ट है। ओके सो डोंट गेट स्केयर्ड। अब हम चलते हैं इसके प्लेटिंग के प्रोसेस में। नाइस एंड राउंड आप पैटीज बनाइए और इसे इसका कच्चा रहने का बिल्कुल भी डर नहीं है, रीजन बीइंग सारी चीज़ें इसमें कुक्ड है, पनीर ऑटोमेटिकली कुक्ड ही होता है और जो आपका लोबिया है वो भी कुक्ड है सो डोंट वरी अबाउट दिस। अब हम चलते हैं इसके प्लेटिंग के प्रोसेस में बिकॉज वी डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम इन आवर लाइव शो, सो आई विल गेट द फाइनल प्लेट। सो आज हम इसे सर्व करने वाले हैं बिल्कुल ही देसी स्टाइल में। ओके बिल्कुल ही देसी स्टाइल में इसको हम सर्व करेंगे इस तरह की। मैंने एक लोहे की प्लेट ले ली है और मैंने यूज़ किए हैं आज यहाँ पे बेस में ये पत्ते। कोई बता सकता है मुझे ये किस चीज़ के, कौन से पेड़ के पत्ते हैं या कौन से फ्रूट के पत्ते हैं, बता सकते हैं आप? कैन यू टेल मी? देख के बताएं, आप इतने सारे रेसिपी शोज़ देखते हैं, आप लोग खुद इतने अच्छे शेफ्स हैं सभी, क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये पत्ते किस चीज़ के हैं, कौन से ट्री के ये पत्ते हैं? कमेंट्स में मुझे बताइए। आई एम वेटिंग कोई तो शायद मुझे बता पाएगा कि ये किस चीज़ के पत्ते हैं। ओके नो प्रॉब्लम, आई विल टेल यू, क्योंकि हमने इसमें बादाम यूज़ करी थी तो आई एम यूजिंग टुडे बादाम के पत्ते। बादाम के पत्ते ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी चीज़ को आप कुक करते हैं तो उसकी अपनी एक स्वीटनेस होती है और वो उसका एक अलग फ्रेग्रेंस होता है जो आपकी रेसिपी में आ जाता है। और एमपी और राजस्थान में इसे बहुत ही वाइडली यूज़ किया जाता है इन डिशेज लाइक पानीये और कुछ टाइप की जो बाटी वगैरह रहती है उसमें भी इसे यूज़ किया जाता है। सो अब हम इन्हें निकाल लेंगे, दे आर ऑलमोस्ट डन। आई होप ये आपको दिख रहा है। ओके सचिन जी आर नॉट श्योर, आई एम टेलिंग यू ये आलमंड ट्री के लीव्स है।
बहुत ही सॉफ्ट सी ये पैटी बनती है, पर जैसे जैसे ये ठंडी होगी तो ये अपने आप थोड़ी सी ड्राई आउट हो जाएगी। ये ग्लूटेन फ्री रेसिपी है, अब हम इसे बंद कर देते हैं और मैं इसमें आपको 4 पैटी को डेकोरेट करके बताऊंगी, प्लेट करके बताऊंगी। खाना कितना भी अच्छा बने लेकिन जब तक अच्छा प्रेजेंटेबल नहीं हो ना तो ऐसा लगता नहीं है कि कुछ आज स्पेशल करा है। सो, हम इसे सर्व करने वाले हैं खट्टी मिट्टी इमली चटनी, और खजूर की चटनी है ये, उसके साथ सर्व करेंगे। और ग्रीन चटनी जो मैंने धनिया और कोरिएंडर से बनाई है, आप सभी जानते हैं कैसे बनाना है इसे। सो लेट मी जस्ट गिव दिस अ बिट ऑफ फिनिशिंग। तो ये हमारी पैटी तैयार हो गई है और अब हम इसपे थोड़ी सी कारीगरी करेंगे। ओके, मैंने यहाँ पे ओनियन सिरके वाले बना के रखे हैं, वो मैं इस पे लगाना चाहूंगी। आप अनियंस नहीं खाते हैं और अगर इसे पूरी तरह से नो अनियन नो गार्लिक नो जिंजर रेसिपी रखना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट स्किप इट। सो मैं इसके ऊपर एक एक अनियन रिंग्स लगा रही हूँ। दिखने में भी ये रेसिपी बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाली है क्योंकि हम इस पे बहुत ही मेहनत से प्लेटिंग कर रहे हैं। देख के बताइए ऑलरेडी ये कैसा लग रहा है एंड कब बनाने वाले हैं आप अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने लिए। मैं तो कहती हूँ हर शो में मैं सबको बोलती हूँ कि दूसरों के लिए बनाने से अच्छा सबसे पहले खुद के लिए बनाइए, है ना। उसमें जो मज़ा है ना, कभी बैठ के आराम से खुद के लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बना के खाना, उसकी अलग ही फीलिंग होती है। फिर थोड़ी सी ग्रीन चटनी मैं इस पे डालूंगी, ग्रीन चटनी जो हम लोग खाते हैं घर में, एंड थोड़ी सी मैं ऊपर डालूंगी इस पे लाइक दिस। थोड़ी थोड़ी डालनी है, ज़्यादा नहीं। थोड़ी सी थिक आप चटनी डालिए इस पे सो दैट उसका पानी बहुत फैलता नहीं हो, लाइक दिस। और मैंने कुछ यहाँ पे ये लोबिया बचा लिए थे, बॉइल्ड लोबियाज, तो ये मैं इसके ऊपर रख दूँगी। वन ऑन ईच। बताइए मुझे देख के कि ये कैसा लग रहा है ये रेसिपी, और लाइक और शेयर ज़रूर करिए, उसी से हमें और कॉन्फिडेंस आता है और आगे बढ़ने में मज़ा आता है। और मैं इसे फाइनल प्लेस पे रख के आती हूँ और फिर आपको ये रेसिपी फिर से दिखाती हूँ। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। आज हमने बनाया ब्लैक आइट पी पैटीज, या जिसे हम कह सकते हैं लोबिया या चवले के पैटी। और बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल था, हमने चवले को हमने सोक करके रखा 8 आवर्स के लिए, उसके बाद फिर हमने बॉयल कर लिया 2-3 विसल्स के लिए नमक डाल के, फिर उसे पूरी तरह से सुखा लिया एक स्ट्रेनर में डाल के। एंड आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, उससे वो थोड़ा सा पक जाएगा, ठंडा पानी डाल दीजिए और फिर सोक मतलब ड्रेन कर दीजिए उसको। एंड देन मैंने उसमें हरा धनिया हरी मिर्च और ये चीज़ें डाल के मिक्सर में ग्राइंड कर लिया, दरदरा पीस लिया। एंड आप चाहें तो हाथ से भी उसको मैश कर सकते हो, बट आई प्रेफर अ ग्राइंडर। वो करने के बाद मैंने होममेड पनीर अमूल दूध से बनाया था वो डाला, और स्पाइसेस डाले लाइक पीसा हुआ भुना हुआ जीरा, काली मिर्च, एंड उसके अलावा हमने डाला उसमें इलायची पाउडर जो स्टार इंग्रेडिएंट है इसका, और हमने उसके अलावा डाला अमचूर पाउडर एंड सॉल्ट टू टेस्ट। वो सब हमने मिक्स कर लिया बराबर से, एंड देन हमने उसमें आलमंड पाउडर डाला। ओके, ग्लूटेन फ्री रेसिपी हमारी बनी है, घी के साथ हमने इसको पैन फ्राई करा, शैलो फ्राई किया है, बिल्कुल कम घी, मतलब हमने उसे फ्राई नहीं किया है, सौते किया है बेसिकली।
और आप चाहें तो ऑलिव ऑयल या इसे वीगन बनाना चाहते हैं तो आप पनीर स्किप कर सकते हैं एंड आप ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल में इसको बना सकते हैं। और इसको हम सर्व कर रहे हैं आज खजूर और इमली की मीठी और खट्टी चटनी के साथ और कोरिएंडर एंड मिंट चटनी के साथ। सो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको फाइनल रेसिपी। सो हियर इट इज़। देख के बताइए ये कैसी लग रही है। आई वॉन्ट टू नो योर व्यूज़। देखें, सो ये थे हमारे पैटीज एंड मैं कल फिर आऊँगी आपसे मिलने एक नई रेसिपी के साथ। सो डू जॉइन अस टुमारो एट 9:30 PM एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ओवन्स अप बाय मधु एंड आप इस रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड नाइट।